दोस्तों, जंगलों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जब हम एक नज़र इनके बच्चों पर देते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके बच्चे बेहद ही प्यारे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बच्चों को दिखाने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, स्लॉथ। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्लॉथ एक बहुत ही धीमा जानवर होता है और साथ ही साथ एडल्ट स्लॉथ भी कई हद तक बहुत ही प्यारा होता है। पर चलिए अभी आपको दिखाते हैं बेबी स्लॉथ कैसा दिखाई देता है। और ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो बेबी स्लॉथ को अपने घरों में पालते हैं और ऐसे लोगों में सेलिब्रिटीज भी शामिल है। पर एक बात तो जरूर है, स्लॉथ जैसे जीव को अपने घरों में पालना आसान नहीं है क्योंकि स्लॉथ का नेचुरल हैबिटेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। और एक बात आपको बता दूं, कुछ ही कंट्रीज है जो स्लॉथ को अपने घरों में पालने का लीगलाइजेशन देता है, बाकी बहुत सी कंट्रीज में स्लॉथ को पालना बैन है। पर जो भी हो, एनिमल लवर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मनपसंद जानवरों को घर में पालने के लिए, और चाहे वो स्लॉथ हो या फिर कोई टाइगर। नंबर सेकंड, बेबी होंडुरस व्हाइट बैट। सो दोस्तों, चलिए आपको दिखाता हूँ दुनिया के सबसे प्यारे चमगादड़। और शायद इन चमगादड़ को देखकर आप तो सोचने लगोगे कि चमगादड़ इतना प्यारा हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। दोस्तों, यूं तो पूरे दुनिया में हजारों प्रकार के चमगादड़ पाए जाते हैं, पर व्हाइट होंडुरस बैट सबसे अलग दिखता है क्योंकि ये पूरा सफेद होता है। और शायद इन चमगादड़ों को देखकर आपका मन तो बन गया होगा कि इनको पालना अपने घर पर। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको पालना आसान नहीं है। ये प्यारे चमगादड़ जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं वैसा ही सेम टू सेम आपको बनाना पड़ेगा अपने घरों पर। और साथ ही साथ ये स्पेशल टाइप का खाना खाते हैं जिसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। पर इससे भी खतरनाक तो ये है कि चमगादड़ बीमारी फैला सकते हैं। पर जो भी हो, इन प्यारे चमगादड़ को देखकर दिल तो खुश हो ही जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक जरूर दो, काफी मेहनत से बनी है। नंबर तीन, बेबी फेनिक्स फॉक्स। सो दोस्तों, यूं तो हम जानते हैं कि लोमड़ी बहुत ही खतरनाक जीव होता है, पर शायद इस लोमड़ी को देखने के बाद आपका मन बदल जाए। इस लोमड़ी को कहा जाता है फेनिक्स फॉक्स और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। और खासकर ये लोमड़ी बचपन में इसके कान काफी बड़े होते हैं जो दिखने में इसको काफी ज्यादा प्यारा बना देता है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लोमड़ी को पालना पसंद करते हैं। पर कुछ बात मैं आपको बता दूं, इस लोमड़ी को घूमना फिरना काफी पसंद है और इसको खेलना भी काफी पसंद है, जिस कारण जिस भी रूम में इसे रखा जाए वो रूम काफी बड़ा होना चाहिए। और ये लोमड़ी मेनली पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट पर। नंबर फोर, बेबी टामंडुआ। सो दोस्तों, इस जीव के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जीव एंटीटर फैमिली से ही आता है। और जैसे कि कुछ लोगों को एक्जोटिक एनिमल्स पालना पसंद है, वो लोग इसे ही चूज करते हैं अपने घरों में पालने के लिए। और हालांकि ये जीव दिन भर एंट खा सकता है, लेकिन ये फ्रूट्स भी खा लेता है, जिस कारण इसे पालने में थोड़ी आसानी तो हो ही जाती है। हालांकि ये बात तो जरूर है कि जो भी लोग इन्हें पालते हैं उनका यही कहना है कि इन्हें पालना आसान तो नहीं है। और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा होगा जो इस जानवर को अपने घर में पालता होगा। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, इस लिस्ट में आपको सबसे प्यारा कौन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।